A warm hello to all the learners of Mathetic Maths Adda. This is Vinay Pandey here again. Class 10th ke previous years ki series mein jo sabse pehla chapter humne kiya tha arithmetic progression kiya tha, uske baad humne trigonometry ke 4 years ke questions jo boards mein puche gaye hain un questions ko solve kiya tha. Aaj ka jo video based hai kyunki last year tak hum trigonometry ke sare questions kar chuke hain. Ab नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे बोर्ड्स में किसी भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. प्रीवियस ईयर्स में 2015, 16, 17, 18 और 19 ये जितने ईयर्स मैंने अभी बोले उन सारे ईयर्स में जितने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेनली उत्तराखंड बोर्ड CBSE में उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन. तो आज मैं जो क्वेश्चन पेपर लेने जा रहा हूँ है 2015 का. 2015 के हमने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस भी देखे थे, वो सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे. तो आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फर्स्ट क्वेश्चन जो है उत्तराखंड बोर्ड का क्वेश्चन है और सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन क्या है CBSE बोर्ड का क्वेश्चन है. तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, सेक्शन फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, वो सारी मेथड्स आपको आनी चाहिए क्योंकि हम चैप्टर को डिटेल में नहीं पढ़ने जा रहे हैं. यहाँ पे हम सिर्फ जो जो क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं. कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए. फिर भी जहाँ जहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ होगा उस फॉर्मूले को मैं एलैबोरेट कर दूंगा उस क्वेश्चन में और उस फॉर्मूले को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. आप उस फॉर्मूले को रिलेट करके उस न्यूमेरिकल को समझ सकते हैं. पहला न्यूमेरिकल क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच. जैसे ही रेशियो वर्ड आता है तो इसका मतलब क्या है कि ये सेक्शन फॉर्मूले की बात हो रही है. यहाँ पे फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, दो पॉइंट आपको दिए हुए हैं, डिवाइड्स द एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स. अगर हम एक्स और वाई एक्सिस की बात करें, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई. इसमें हम देखिए वन कोमा माइनस फाइव, वन कोमा माइनस फाइव, एक्स वन है और वाई माइनस फाइव है, तो यहाँ कहीं ये पॉइंट होगा और ये पॉइंट क्या है ए, और माइनस फोर, एक्स नेगेटिव माइनस फोर यहाँ है, वाई फाइव यहाँ है, तो माइनस फोर कोमा फाइव ये पॉइंट है, ये बी है. एग्जैक्टली डायग्राम क्योंकि मेजरमेंट मैंने उतनी एक्यूरेट नहीं की है तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो दूसरा भी आ सकता है. तो आपको क्या बताना है कि ये जो लाइन है ए बी, ये एक्स एक्स इसको कहीं ना कहीं पे तो कट कर रही है. देखिए अब यहाँ पे ये पॉइंट हमने पी ले लिया, तो आपको ये बताना है कि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, यानी कि इस लेंथ और इस लेंथ का रेशियो हमको निकालना है. तो रेशियो के लिए किसी भी लाइन में अगर ए और बी एक लाइन है, इसमें एक पॉइंट पी है जिसमें ये रेशियो एम वन रेशियो एम टू है, तो पी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं. पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू. एक्स वन एक्स टू क्या है, ये है एक्स वन वाई वन इसके कोऑर्डिनेट्स, एक्स टू वाई टू इसके कोऑर्डिनेट्स, और वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू. ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे हम, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है. तो ये रेशियो जो है इसको मैं ऐसे रहने दे रहा हूँ, मैं ये रेशियो मान लेता हूँ कि बी पी रेशियो पी ए, ये रेशियो मान लेते हैं कि ये रेशियो क्या है, के रेशियो वन, यानी कि ये किसका काम कर रहा है एम वन का और ये किसका काम कर रहा है एम टू का इस फॉर्मूले के लिए. तो और एक चीज़ और देखिए आप, जो ये पी पॉइंट है इसके आपको कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं, जहाँ पे ये लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है उस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी आपको निकालने हैं. तो ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, आपको एक कंसेप्ट क्लियर होगा कि अगर एक्स एक्सिस में हम कोई भी पॉइंट निकाल रहे हैं, एक्स एक्सिस में किसी भी पॉइंट को अगर हम निकाल रहे हैं उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, जीरो, और वाई एक्सिस में कोई भी पॉइंट अगर आप निकाल रहे हैं तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा ही होगा. और एक्स कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं क्या, इसका फिलहाल एक्स मान लेते हैं. अब ये रेशियो
के रेशो वन है, एम वन के हो गया, एम टू वन हो गया, ये एक्स वन वाई वन हो गया और एक्स टू वाई टू हो गया। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी हम फॉर्मूले से निकालते हैं। फॉर्मूला क्या था? एम वन एक्स टू, एम वन कितना है के, एक्स टू कितना है माइनस फाइव, प्लस एम टू, एम टू कितना है वन, और एक्स वन कितना है माइनस फोर अपॉन एम वन प्लस एम टू। वाई कोऑर्डिनेट एम वन वाई टू, सॉरी ये फॉर्मूला शायद मैंने यहाँ पे गलत कर दिया है। फॉर्मूला क्या है? एम वन एक्स टू, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन कितना है माइनस फोर अपॉन एम वन प्लस एम टू। वाई कोऑर्डिनेट एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। तो ये कितना हो गया? के माइनस फोर अपॉन के प्लस वन माइनस फाइव के प्लस फाइव अपॉन के प्लस वन। ये के कोऑर्डिनेट्स हमने फॉर्मूले से निकाले हैं, और ये जो के सॉरी ये पी के कोऑर्डिनेट्स हमने फॉर्मूले से निकाले हैं, और ये पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं हमने ज्यूम किए हुए हैं, क्योंकि ये पी पॉइंट एक्स एक्सिस में था तो इसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो है। तो आप देखिए ये दोनों पी के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसका मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेट है इक्वल होगा, तो इट मीन्स माइनस फाइव प्लस फाइव अपॉन के प्लस वन इक्वल टू कितना आ गया? जीरो। तो माइनस फाइव प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा? फाइव अपॉन फाइव यानी कि वन। के की वैल्यू कितनी आ गई है? वन। तो ये के की वैल्यू वन आ गई है, तो रेशियो हमको मिल जाएगा। अब इसको अब हम हटा दे रहा हूँ मैं इसको। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो, रेशियो कितना हो गया? के रेशियो वन माना था तो के की वैल्यू वन आ रही थी, तो वन रेशियो वन। ये आपका पहला पार्ट हो गया इसका। और आपको पी के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं, तो पी के कोऑर्डिनेट्स के लिए इसका वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो ही है पहले से, एक्स निकालना है हमको, तो के की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, वन माइनस फोर अपॉन वन प्लस वन, और दूसरा तो जीरो हो गया ही होगा। कितना आ जाएगा? माइनस थ्री बाई टू कॉमा जीरो, ये इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हो गए। तो ये पहला न्यूमेरिकल है जो उत्तराखंड बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था, उसका सॉल्यूशन हमने किया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अदर बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम्स पूछा गया है। इसको ध्यान से देखिए आप। अ ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब अ सर्कल का मतलब क्या है? जो ट्राइंगल है उस ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल है जो उसकी तीनों साइड्स को टच कर रहा है। ट्राइंगल है और ये सर्कल है। ट्राइंगल क्या है? ए बी सी टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी, बी डी और डी सी, बी डी कितना है 6 सेंटीमीटर और डी सी कितना है 8 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना है? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्वेशन वन कर दे रहे हैं इसको फिलहाल। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन को हटा दे रहा हूँ मैं। तो आपको ए बी निकालना है, तो ये ई मान लेते हैं इसको, इसको मान लेते हैं एफ। क्या फाइंड आउट करना है आपको? ए बी और ए सी, ये दो वैल्यूज आपको निकालनी है। तो ध्यान से देखिए आप इस डायग्राम को। सबसे पहले इसका सेंटर ओ ले लेते हैं और इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ये तीन, देखिए स्टूडेंट्स, ओ से लेकर के सर्कल के सेंटर से उसके बाउंड्री तक की डिस्टेंस क्या होती है? रेडियस। यानी कि एक चीज़ तो क्लियर है, ओ डी, ओ ई और ओ एफ तीनों रेडियस हैं, और रेडियस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 3 सेंटीमीटर। दूसरा एक कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, अगर आप किसी भी सर्कल में कोई टेंजेंट लाइन लो, ये टेंजेंट का काम कर रही है,
और सेंटर से इसमें एक लाइन अगर आप इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में ज्वाइन करते हैं तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री। ये सर्कल में आपने किया हुआ है तो ये तीनों एंगल कितने डिग्री हो गए, 90 डिग्री के। ये कंसेप्ट भी आपने यूज़ करना है यहाँ पे। और तीसरा कंसेप्ट कि ये सी पॉइंट से एक टेंजेंट ये बन रही है, एक टेंजेंट ये बन रही है, तो एक फिक्स पॉइंट से द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, यानी कि इस पॉइंट से ये टेंजेंट और ये टेंजेंट दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। इट मीन्स ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी टेंजेंट है, ये भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। और इसको हम मान लेते हैं एक्स, तो ये भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक्स वो टेंजेंट की प्रॉपर्टी से। अब आप देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अगर हमको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालूँ, इस ट्राइंगल का एरिया निकालूँ और इस ट्राइंगल का एरिया निकालूँ, तीनों को ऐड करूँगा तो पूरे ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। तो इट मीन्स दिस ट्राइंगल, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज द सम ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ ए। बस ये मेन कंसेप्ट है यहाँ पे। ए बी सी का एरिया तो आपको दिया, ये 54। ए ओ बी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस। इस वाले ट्राइंगल में आप देखिए बेस कितना है, 6 प्लस एक्स, और परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए, ओ एफ, और ओ एफ कितना है, 3 प्लस बी ओ सी। इस वाले ट्राइंगल के लिए बेस कितना है, 6 प्लस 8 14, और परपेंडिकुलर क्या है, ओ डी, ओ डी कितना है, वो भी 3 प्लस हाफ। तीसरा ट्राइंगल इसका बेस क्या है, 8 प्लस एक्स, और परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए भी, 3। तो इसमें देखिए अब ये जो 1/2 है कॉमन आ रहा है, और 3 भी कॉमन आ रहा है, यानी कि 3/2 कॉमन आ रहा है। तो 54 इज इक्वल टू 3/2, अंदर के क्या बचेगा, 6 प्लस एक्स 14 और 8 प्लस एक्स। इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ। देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 54 इंटू टू अपॉन 3, 6 प्लस 14 20, 20 प्लस 8 28 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x। ये कैंसिल हो जाएगा, 18 36 माइनस 28 इज इक्वल टू 2x। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8x इक्वल टू कितना आ गया, 4। बस ये आपको ट्राइंगल का एरिया इन तीनों ट्राइंगल के सम के इक्वल रखना है, और इस बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया तीन छोटे ट्राइंगल्स के सम के इक्वल था, तो वो कंडीशन लगा करके आपको एक्स निकाल देना है। और एक्स निकालने के बाद आप इजीली, आपको क्या क्या निकालना था, ए बी निकालना था। ए बी किसके इक्वल है, देखिए आप, ए बी हो जाएगा एक्स प्लस सिक्स, यानी कि 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। और ए सी कितना हो जाएगा, देखिए, एक्स प्लस 8, यानी कि 4 प्लस 8 12 सेंटीमीटर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन हमने किया, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जो थर्ड न्यूमेरिकल पूछा गया है। सीबीएसई में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ, देखिए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इफ द पॉइंट्स गिवन ए एक्स कॉमा वाई, बी -5.7 एंड सी -4.5 आर कोलिनियर। ये आपको दिया हुआ है कि ये कोलिनियर है, और कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जैसे ये लाइन है, तीन पॉइंट आपको दिए हैं और ये तीनों पॉइंट, तीन पॉइंट भी हो सकते हैं, तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तीन पॉइंट अगर आपको दिए हुए हैं और तीनों पॉइंट अगर एक लाइन में लाए कर रहे हैं, तो इन तीनों पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। अगर दो पॉइंट एक लाइन में और तीसरा पॉइंट बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं होगा और ये क्या होगा, कोलिनियर होगा। आप देखिए, जिस केस में तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, तो क्या उस केस में इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके अगर हम डायग्राम बनाएं, तो क्या इस केस में ट्राइंगल बन सकता है कोई भी? और उसी केस को आप दूसरे कंडीशन में भी अप्लाई करिए। यहाँ देखिए, अगर इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो एक ट्राइंगल बन जा रहा है। तो कोलिनियर में क्या होगा,
जो तीनों पॉइंट को आपने ज्वाइन किया, तो तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद कोई भी ट्राइंगल नहीं बन रहा है, लेकिन अगर पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो ट्राइंगल बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो तीनों पॉइंट्स का मिला करके जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा? जीरो आएगा। अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ट्राइंगल का एरिया जीरो, अगर पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो ट्राइंगल का एरिया जीरो नहीं होगा। बस ये कंडीशन अप्लाई करिए आप, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इन तीनों पॉइंट से जो ट्राइंगल बनेगा वो क्या बनेगा? ए बी सी, और इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा? जीरो। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? इसकी ट्रिक होती है या तो आप फॉर्मूला लगाएं, या फिर एक इसकी ट्रिक है कि आप यहाँ एक्स वाई लिखिए, जो पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट -5 7, तीसरा पॉइंट -4 5, और जो पहला पॉइंट है उसको दोबारा से आप लिख लीजिए। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ मॉड, मॉड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा? 7x, प्लस इसका इससे मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा? माइनस का 25, और इसका इससे मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा? -4y। माइनस इस मल्टीप्लीकेशन के बाद ये मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा? -5y, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन -28, और इसका इससे मल्टीप्लीकेशन +5x, और इसका मॉड किसके इक्वल है? जीरो। तो ट्राइंगल का एरिया का हमने फॉर्मूला लगा दिया। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई का मतलब यह है कि आपको एक्स और वाई में एक इक्वेशन निकालनी है, और वो एक्स और वाई में इक्वेशन आपको यहीं से मिल जानी है। हाफ हटाइए इसमें से, मॉड हटाते हैं, 7x -25 -4y, ये क्या हो जाएगा? +5y +28 -5x इक्वल्स टू जीरो। 7 -5 कितना हो जाएगा? 2x। -4 +5 कितना हो जाएगा? +y। और -25 +28 कितना हो जाएगा? प्लस का 3। तो ये रिलेशन किसका हो गया? एक्स और वाई के बीच में, विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। तो 2015 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, हम कोई आगे के जो बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को, फिलहाल हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ही फोकस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लिया हमने, एपी कंप्लीट कर लिया है, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ पेपर्स को हम सॉल्व करेंगे इसी तरीके से। तो आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी मैं आपका जो अगला पेपर है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेकर के आऊँगा।